आज है 7th of June और दोपहर के बज रहे हैं 3:15। 3:15 बजे आज व्लॉगिंग शुरू करी है क्योंकि आज सुबह से मैं और कनिष पैकिंग करने लगे हुए थे। और पैकिंग क्यों करने लगे हुए थे? क्योंकि हम जा रहे हैं थोड़े दिनों के लिए घूमने। और घूमने का जा रहे हैं मैक्स भी जाएगा हमारे साथ। ना, अभी नहीं हम बताएंगे, अभी नहीं हम बता रहे, अभी हम जा रहे हैं बस। और आपको शाम को पता चलेगा, जब हम शाम को यहाँ से निकलेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। शाम को रात को जब पापा को टाइम मिलेगा तभी निकल पाएंगे। बस हमने पैकिंग वैकिंग कर ली है, अब हम थक हार के थोड़ा सा रेस्ट करने लगे थे। तो हम थक हार के थोड़ा सा रेस्ट करने लगे थे तो मैंने कहा पहले फ्रेंड्स के साथ हाय हेलो कर लें। आज सुबह से गुड मॉर्निंग तक नहीं हुई हमारी, गुड आफ्टरनून में मिले हैं डायरेक्ट। तो कनिष खुश है तू? तू जाना चाहता है घूमने? चल, थका पड़ा है ये भी बोल नहीं रहा, मैं भी थक गई हूँ। वैसे भी दोपहर का टाइम है तो नींद तो बड़ी मस्त वाली आने वाली है मुझे। चलो शाम को मिलते हैं। शाम हो गई है, शाम के बज गए हैं 6। ओके, कनिष कुमार आया है मैक्स को और ये पड़ा है सामान अभी जो कि पैक होना है। और मैं अभी तक पैकिंग कर नहीं पाई हूँ अब पूरी तरह क्योंकि मुझे बहुत आलस आ रहा है। आलस क्यों आ रहा है? क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और गर्मी में बिल्कुल इस रूम से बाहर जाने को मन नहीं कर रहा। बस दिल कर रहा है एसी ऑन करके यहीं पे बैठे रहे। दोपहर को यहाँ बैठे थे, अभी उठी हूँ, थोड़ा बहुत काम किया, अपने कपड़े वपड़े निकाले ये कि जो पैक करने हैं। काम करने का मन, घूमने का मन कर रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा। ऐसा ही होता है गर्मी में और क्या। अभी हमने कॉफ़ी वॉफ़ी पी है और ये देखो गर्मी की वजह से वापस शुरू मेरी प्रॉब्लम। क्या करूँ मैं, इनका बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। चलो क्या करें, जो प्रॉब्लम है सो है ना। कनिष कनिष हमेशा बिजी रहता है, इतनी अजीब मूवीज देखता है ये, कोई भी नहीं देख सकता। और ऊपर से इसने एक नई मूवी सोच ली है मुझे लेके जाने के लिए, दिखाने के लिए। पहले ये लेके गया था ना जो अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी ये मूवी देख। मैं मम्मा को लेके जाऊंगा 8 जुलाई को दिखाने के लिए इतनी गंदी मूवीज देखता है ये, जिसमें थौर फौर खौर पता नहीं कौन कौन होते हैं। और मेरे को तो नींद आ जाती है हॉल में जाके, कितनी भी कोशिश कर लूँ मुझे समझ ही नहीं आती है उसमें हो क्या रहा है। इस बार ये पापा को लेके जाएगा, मैं तो घर के साथ जाऊंगा। मम्मा के साथ मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी ऐसी। ओके फ्रेंड्स चलो फिर मिलते हैं, तैयार हो कि रात के बज चुके हैं 9। पापा जी हमारे अभी अभी आए हैं और हमने खाना भी नहीं खा, हम भूखे भी हैं और हमें जाने में इतना देर हो गया। पापा जी अभी भी आए हैं, ये पापी पेट फूका है। चलो कोई बात नहीं, पापा के लिए ये भी सही। पापा अपने सारे काम पक्के करके चलते हैं, हमें लेट करते हैं कोई बात नहीं। ये देखो ये 9 बजे आके अब नहा धो रहे हैं, अब तो 9:15 हो गए हैं, 9 भी नहीं 9:15 हो गए हैं। 9 बजे तो पापा जी आए थे। तो फ्रेंड्स निकलते हैं, फिर मिलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। क्यों पापा जी अभी चलने में कितनी देर लगेगी है? पापा जी इधर देखते हो तो हाँ चलो। कितनी देर? तुरंत अभी। तुरंत चलो, कह तो रहे हैं तुरंत, अभी 10 मिनट से ज़्यादा ही लगेंगे पापा जी को। मेरी मेरी दवाई लाए थे कहाँ है? मेरी दवाई नहीं छोड़ी है। क्लास हम घर से निकल गए हैं, मैक्सो अपना शोर मचाना शुरू हो गया और पापा उसको गुस्सा कर रहे हैं। सोमू का अंधेरे में दिख नहीं रहा वो रहा तो इसे आप समझ सकते हैं कि हम कितनी जल्दी निकल रहे हैं। इतना हमें जाम ना मिले, हमें गर्मी ना मिले, हमें धूप से बचाया, गर्मी से, जाम से, सबसे बचाते हुए लेके जा रहे। अरे वाह,
थैंक यू बिंदा जी, थैंक यू। क्या हो गया? गिर गया, कह रहे मैं गिर गया। इतना बड़ा देखा तुम? नहीं, अभी अभी हमारे ऊपर से ना ऐसे एरोप्लेन चल गया, ऐसे हैंडशेक कर गया। नहीं, एरोप्लेन गया अभी हमारे ऊपर से एकदम, और इतना बिग दिखा वो हमें पापा मार दे रहे हैं। भाई वो भाई मैक्स को क्या हो गया? अरे मैक्स कर, भाई करो मैक्स बात बताने दे फ्रेंड्स को, पहले ही बहुत अंधेरा है। मैक्स बात नहीं बताने दे रहा आपको। सच्ची में हमारे सामने से एक एरोप्लेन गया, वो बस से बस जरा सा ही ऊपर था, इतना सा बस, और पहले हमें एरोप्लेन की आवाज आई, फिर उसके बाद वो दिखाई दिया फुल लाइटिंग। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आई ये जा क्या रहा है हमारे आगे, बस की जगह ये एक और बस ऊपर से जा रही है। सोमो सच्ची वो बड़ा था। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ बड़ा होगा, एलिफेंट जितना, ब्लू व्हेल जितना बड़ा होगा। ठीक है, कितनी बकवास करता है। तो कहती है मैं थप्पड़ मारूंगी। वो देखो ना, अरे पीछे रह गया वो, पीछे पीछे अभी तो कहती है कि हियर वी गो, डिंडिनका डिंडिनका डिंडिनका। तो एट लास्ट हम पहुंच गए हैं। क्यों सो की खुशी हो? कितना खुश थे ना सुबह? कैसे छोड़ के जा रहे सोमो? मैक्सो कहाँ आ गया? मैक्सो कह रहे हैं थोड़ी जान पहचानी चाहिए। सामान कहीं अपना सामान उठाओ और चलते बनो। ये तो बहुत खतरनाक सामान है। चलो दोबारा ही नहीं कर रहा। ऐसे खराब तो नहीं होगा? मिट्टी है बिंदा, सारा खराब हो जाएगा। कहाँ पहुंची लिफ्ट? पहुंच गई 0 पे। चलो 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 चलो, यात्री गण कृपया ध्यान दे, लिफ्ट पहुंच चुकी है, लिफ्ट शून्य पे पहुंच चुकी है और हमें पहुंचना है 5वीं मंजिल पे। अरे हम रंग दो स्नेल की तरह।
चलो वॉक लाइक अ स्नेल ओके मैक्स कहाँ गया वो लिफ्ट एक नंबर इधर मैं दिखा देना अच्छा दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह इन्फिनिटी चलो हम पहुंच गए एट लास्ट हम पहुंच गए चलो धर्मेंद्र कुमार आगे अरे वो हाथ में तो आया नहीं तेरे को पता था तेरे को सरप्राइज मिल गया अभी वीर खुश हो गया मैंने मासी बोला हुआ था मैंने आरती वासी को वीर को मत बताइयो उन्होंने सुबह मेरे को बताया नहीं था बस बिग सरप्राइज बोला था बिग सरप्राइज बोला था कहाँ है आरती वासी कोई बात नहीं मैं अभी देखती नहीं था और भाई बुड्ढे बाबा कैसे हो मैंगो खाओ कैसा लगा सरप्राइज वेरी वेरी गुड सरप्राइज मैंगो खाओ आप खाओ आप खाओ आज वो आदमी ना मंगल में आ गई थी सब्जी लेने तो आज खाने को लेट हो गया अच्छा तो मैंने ज्योति को भी फोन कर दिया था अमेरिका मैंने कहा भाई आज मैं जल्दी सो जाऊंगा अच्छा तो बस इसलिए बस आज लेट हो गया ये मैसेज तो आता ही नहीं है मैक्स देख रहा कहाँ गया मैं मैक्स खुश हो जाएगा था आके वीर कहता बिग सरप्राइज सरप्राइज नहीं मिला आपको हम आ गए आपको पता नहीं था ना हाँ वो तो आपको पता था आपको मील पूरी थी आपको मील पूरी थी आरती कहाँ है तो वीर कैसा लगा बता दो तो मेरे फ्रेंड्स को मैं सिर्फ ही अपना खाना खाने वाला था ना एकदम आप और मैं मेरे को लगा फिर मैं बाहर आके देखा आप थे ये क्या कर रहा है मैंने मेरे पापा ने मेरा लेगो मैन तोड़ दिया तो मैं उसको बड़ा कर दिया तो बता दो तुझे खुशी हुई कि नहीं हुई अच्छा चल ठीक है खाने वाले ये मतलब जेई मतलब जो बच्चे जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं जो कोटा जाते हैं तो उनके ऊपर है पूरी अच्छा मैंने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है दूसरा पार्ट इसका नेटफ्लिक्स पर आया था देख नहीं पाया था चलो देख लियो लेकिन अब मम्मा कह रहे हैं आरती वासी ने कर ना अपडेट इसका हां मैं खाना खा लो उधर जा जाके पानी पी के आ रहा है सुनो एक काम कर लो प्लीज है शोर के साथ इसी लड़ाई के साथ आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और हाँ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना जैसे ही आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो हमारे नए ब्लॉग का नोटिफिकेशन पाएंगे तो कल तक के लिए हाँ